हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आज की डेट में बात करने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड बात नहीं करने वाले, किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। ओके, वो तो हम करते ही रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, ओके, और जिसके बारे में हमें नहीं पता है फिर भी हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाली है कि रिसेशन की बातें चल रही है, बातें चल रही है वॉर की, बातें चल रही है यहाँ पर अलग अलग डिजीजेस की, ओके, जो क्राइसिस आते रहते हैं, बातें चल रही है अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो वो सारी चीजों से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसी नॉलेज आपको मिलती हुई नजर आएगी जहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको वीडियो तुरंत मिलती हुई नजर आए। और हमारा दूसरा चैनल ट्रेडिंग दिल से, जिसमें हम अलग शॉर्ट वीडियो में अलग अलग टिप्स देते हुए नजर आते हैं और आपको बताया भी है किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, जाके वीडियोज को देखिए, चैनल को उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी आनंद आपको भी आएगा। आइए वीडियो पे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं रिसेशन और अलग अलग चीजों की। तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग होंगे, ओके, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कर रखी है, इसके अलावा मैंने क्लासिकल म्यूजिक में गया था, वहाँ पर सीखा है मैंने, ओके, अब मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ, ओके, और स्टॉक मार्केट में मैंने, अगर मैं बात अपनी बताऊँ तो मैंने सेबी के टीचर्स होते हैं, ओके, उनसे भी यहाँ पर शिक्षा ले रखी है और मैं बीएससी से भी पढ़ा हूँ, ओके, तो अलग अलग एनआईएसएम भी मैंने कर रखा है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट मैं हम ओवरऑल बताना क्या चाहता हूँ, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, ओके, इंक्लूडिंग मी, और जिसमें हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो हमें पता है कि रिसेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा पल्ले पड़ जाता है कि हाँ हमें पता है। बट बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मतलब पता है, बट स्टिल दे डोंट नो ब्रीफली कि क्या होता है क्या नहीं होता, और इससे मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है कि हम डेली सुनते हैं इन्फ्लेशन आने वाला है, ओके, हम डेली सुनते हैं रिसेशन आने वाला है, तो इसकी वजह से हमें क्या मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। आपको एक ऐसी सीख देना चाहूंगा जो आपको हमेशा काम आएगी। क्या रिसेशन पहली बार आने वाला है? क्या इन्फ्लेशन पहली बार आने वाला है? क्या जो भी ये क्राइसिस हुए है, ओके, कोविड आया है, इससे पहले इबोला आया था, ओके, और अलग अलग तरीके की बीमारियां, ओके, ओवर अ ईयर ऑफ टाइम्स या ओवर अ ईयर ऑफ डिकेड सेंचुरी यहाँ पर आती रहती है, जाती रहती है, ओके, और हम यहाँ पर ह्यूमन है, ओके, एक ऊपर वाले की एक ऐसी देन है जिनके पास एक इतना बेहतरीन ब्रेन है कि हम हर एक चीज से निपट जाते हैं, ओके, और यहाँ पर लड़के उभर भी जाते हैं, तो ये चीज हमारे अंदर ऊपर वाले ने दी है, ओके। तो हम कहना क्या चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि रिसेशन आए हमें नहीं पता, इन्फ्लेशन आए हमें नहीं पता, फेड की मीटिंग आए हमें नहीं पता, हमें मतलब नहीं है फेड से, हमें मतलब नहीं है सेबी से, हमें मतलब नहीं है किसी भी चीज से, हमें मतलब है केवल स्टॉक मार्केट से, और स्टॉक मार्केट में हमें पैसा कमाना है, ओके, हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, मैं उस चीज से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन, रिसेशन, अलग अलग क्राइसिस की। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ हमें हिस्ट्री उठा के देखनी है, हमें फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, हमें हिस्ट्री उठा के देखनी है, हिस्ट्री में रिसेशन आया है, क्या मार्केट रुक गई है, थोड़े टाइम के लिए रुक गई है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, 2008 में रिसेशन आया था, ओके, इसके अलावा कोविड 2020 में आया, ये रिसेंट है, हम सभी लोगों ने देखा था मार्केट किस तरीके से एक कुछ दिनों के अंदर 50-60% गिर गई, ओके, क्या उसके बाद रिकवर हुई और कितना रिकवर हुई आपको ये पता है कि आपने किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में, अगर आप थे उस टाइम, आपने इन्वेस्ट किया था तो आपके पैसे किस तरीके से बने थे। तो ओवरऑल समरी क्या है, ओवरऑल समरी ये है कि देखिए, यहाँ पर मार्केट की अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो 40-50 साल का यहाँ पर दिखाता है डेटा, एज वेल हम बात करें यूएस मार्केट की, ओके, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का अगर हम बात करें वहाँ पर स्टॉक मार्केट तब से है, तो हमें ओवरऑल पीरियड समझने की ये जरूरत है कि ये सारी चीजें, कभी प्लेग आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कोई महाबीमारी आ जाती है, कभी कोई किसी पर अटैक कर देता है, कोई कभी रशिया ने अटैक कर दिया, कभी अमेरिका ने अटैक कर दिया, आने वाले टाइम में शायद चाइना अटैक कर दे, आने वाले टाइम में कोई इंडिया ही खुद किसी पर अटैक कर दे, ओके, तो ये सारी चीजें होती रहती है, ओके, रिसेशन भी आता रहेगा, इन्फ्लेशन भी आता रहेगा, बट चीज क्या है, हमें पैसा कमाना है,
हमें मतलब नहीं है दुनियादारी से, हमें मतलब है सिंपली कि हमारे पोर्टफोलियो में पैसा है या नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में उतनी जान है या नहीं है। तो हमें ओवरऑल सिंपल सी बात ये है, हमें फॉलो करना है बड़े बड़े लोगों को जो बताते हैं कि ये सब आ चुके हैं, ये आते हैं, ये जाते हैं, बट ओवरऑल मार्केट का काम है ऊपर जाना। तो हमें किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एजुकेट होना काफी बेहतरीन बात होती है, अगर आपको नहीं पता आप जाके पढ़िए सीखिए, वो एक अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता, आपको मतलब भी नहीं है, तो आप इसे दिमाग से हटा दीजिए। ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम रिसेशन आने दीजिए, कोई इशू नहीं है, कितने दिन आएगा, 6 महीने आएगा, 1 साल आएगा, 1.5 साल आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब चीज खत्म होती हुई नजर आएगी। और आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में है, आपके पास एक बेहतरीन शेयर है, आपका पोर्टफोलियो में आप हमेशा SIP मोड में पैसा डाल रहे हैं, अब मार्केट में अब गिरावट हुई है, 40% 50% स्टॉक्स नीचे है, और जब आप यहाँ पर इस टाइम पैसा डालेंगे और जब आप देखेंगे कि वो स्टॉक्स जो स्टॉक्स 40% गिर चुके हैं अपने 52 वीक हाई है ऑल टाइम हाई से, जब वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचेंगे तो आपको 40-50% रिटर्न नहीं मिलने वाले, आपको सीधे 100% रिटर्न मिलने वाले हैं। तो जितनी भी कंपनी है जो गिरी है, बजाज फाइनेंस को नाम ले लीजिए, यहाँ पर 2008 में गिरी थी, उसके बाद क्या रिटर्न है, यहाँ पर आप देखिए 1000% के रिटर्न्स मिलते आए हैं। SRF को देखिए, बेहतरीन कंपनी है, इतनी सारी कंपनीज है जहाँ पर 1000% और lakhs% के रिटर्न यहाँ मिलते हुए नजर आए। तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज कवर हो जाएगी, आपको बस समरी पे ध्यान देना है। बड़े लोग चिल क्यों मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम मार्केट में है, मार्केट में रहेंगे और मार्केट को ऊपर जाना है, तो यही आपको भी करना है, आपको चिल रहना है, और ये एक बिजनेस है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपने पेड़ लगा दिया है, वेट करिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स आपको रिटर्न दिखते हुए नजर आएंगे, आप करोड़पति भी बनेंगे और आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, सीखना है, और सीखने के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाते रहते हैं, टेक्निकल की वीडियोस बनाइए, जाके देखिए, वहां पर आप इंटरडे कर सकते हैं। मैंने कल इंटरडे अपने एक क्लाइंट को कराया था, खुद किया था, उसने ही पैसा कमाया, मैंने ही पैसा कमाया, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में, तो यहाँ पर उसे भी देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि इंटरडे कैसे करते हैं, शॉर्ट सेल कैसे करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अलग, यहाँ पर ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग, और यहाँ पर जब पैसा हर तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कहता हूँ यहाँ पर आपको सीखना है, कुछ टाइम दीजिए, 2-3-4 साल, और जब यहाँ पर ये टाइम दे देंगे आप एजुकेट हो जाएंगे, आप बड़े बड़े लोगों को फॉलो करेंगे, उनसे मिल नहीं सकते, कोई इशू नहीं है, बट उनके वीडियोस है, यूट्यूब पे जाके देखिए, उन्हें ट्विटर पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, उनकी सीख को सीखिए, पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि हाँ आप उनकी तरह धीरे धीरे बनते हुए नजर आएंगे और अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। तो यही आज की सीख थी, मतलब नहीं है आपको रिसेशन से, हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, देश है, देश डिसाइड करेगा, प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, मोदी जी डिसाइड करेंगे कि हाँ इंडिया में इन्फ्लेशन है, उन्हें कैसे खत्म करना है, मोदी जी डिसाइड करेंगे रिसेशन है तो उन्हें खत्म करना है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमें केवल यहाँ पर देखना है, हम एक कंट्री में एक जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर हमें अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अगर हम रिच बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है देश भी रिच उसके साथ साथ बनेगा, और देश रिच बनेगा तो हम भी उसके साथ साथ बनेंगे, तो हम एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे देश बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और तो इसी तरीके से आपको काम करना है और इसी तरीके से अपना विजन रखना है, और वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।